अलकुम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज़ मी फरा तो आज हम आए थे बेस्किन रॉबिन्स हाँ, आइसक्रीम के लिए वैसे तो सर्दियों में ज़्यादातर लोगों को गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे ड्राई फ्रूट सूप स्नैक्स एंड ऑल लेकिन मुझे सर्दियों में आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है और आई डोंट नो वाई लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू तो गर्म सीज़न के भी मुझे सर्दियों में अच्छी लगती हैं तो आज हम आए थे यहाँ चार मीनार चौरंगी के अपोज़िट जो ब्रांच है वहाँ पे वैसे तो कराची में बहुत सारी जगह पे आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं जैसे मुझे सदर में पेशावरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन बेस्किन रॉबिस की एक जो ख़ास चीज़ है वो ये है एक तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है अमेरिकन ब्रांड है और इसके अलावा इसके इसके पास थर्टी वन फ्लेवर्स हैं जो आई डोंट थिंक सो किसी और के पास इतने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं कराची में वैरायटी नहीं है और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है आइसक्रीम एज़ कम्पेयर टू बाहर जो आइसक्रीम्स मिलती हैं उससे लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और टेस्ट की तो गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इनके बेकरी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं केक्स पेस्ट्रीज तो आपके करीब जो भी ब्रांच हो वहाँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मॉल्स में ज़्यादातर होती हैं और अगर बहदराबाद आपका आना हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था तो एक तो मुझे वीडियो बनाने की परमिशन भी दी और मैंने ऑलमोस्ट इनके सारे ही जो भी फ्लेवर्स थे मैंने टेस्ट किए और और मुझे तो ज़्यादा ही अच्छे लगे लेकिन जो आज हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो इनका कॉफ़ी फ्लेवर अच्छा लगा और स्ट्रॉबेरी भी आई गेस अच्छा ही था लेकिन जो बेस्ट था वो मुझे ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये इनका स्ट्रॉबेरी एंड चोको चिप्स वाला फ्लेवर था और यहाँ मेरे हस्बैंड ने इनको बोला कि हमें फ़्रेश कौन बना के दें तो वही बना रहे थे जो बहुत जल्दी आराम से बन गई थी आई गेस फाइव मिनट्स में हो गई थी तैयार और बाद में इन्होंने इनको शेप दिया कौन का जैसे होता है और ठंडा करने के लिए साइड में इसको रख दिया और यहाँ पे मैं वही क्लिप लगा रही हूँ जब मैं टेस्टिंग कर रही थी डिफरेंट फ्लेवर्स के तो और इसके साथ जो है वो स्ट्रॉबेरी uh, के साथ जो मैं ये अभी टेस्ट कर रही थी ये था चीज़ स्ट्रॉबेरी केक समथिंग इनका फ्लेवर था वो भी काफ़ी अच्छा था और मैंने चॉकलेट इसका फ्लेवर ट्राई किया था वो भी बहुत अच्छा था लेकिन जो हमने फाइनल जो हमने डिसाइड किया uh, वो कॉफी फ्लेवर किया था वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ और जो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा था uh, कि इन्होंने दो पोर्शन बनाए हुए थे एक नॉर्मल आइसक्रीम का था और एक शुगर फ्री आइसक्रीम का था और जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बेस्ट बात है क्योंकि कराची में मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो उसका जो टेस्ट होता है ऐसा सच कोई ख़ास नहीं होता तो यहाँ पे ये जो हम ले रहे थे ये भी हम शुगर फ्री आइसक्रीम ही ले रहे थे कॉफ़ी फ़्लेवर में जो जब हम मतलब उसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल सेम था लग नहीं रहा था कि कोई डिफरेंस है शुगर फ्री और नॉर्मल आइसक्रीम में तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड की आइसक्रीम तैयार हो गई थी इन्होंने कौन में ली थी और मैंने ये सेम फ्लेवर बॉक्स में ले लिया था और ऊपर से टॉपिंग करवा दी थी चॉकलेट सीरम की जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और यहाँ से चार मीनार चौरंगी का वो बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया और मुझे तो ब... और अभी हम वापस ही जा रहे थे घर की तरफ और होपफुली आपको ये मेरा व्लॉग छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मज़ीद में कौन सी वीडियोस बनाऊँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ मुझे याद रखिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अल्लाह हाफ़ टेक केयर मुझे वैसे रात को ही ज़्यादातर वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पर्सनल चॉइस होती है मुझे रात को कराची बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कराची का दूसरा जो नाम है वो है ही सिटी ऑफ लाइट्स तो मुझे कराची की लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अभी हम एक छोटा सा स्टोर एक कर रहे थे जहाँ से हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं इस बार तो वो भी कभी आपको मैं दिखाऊँगी और अभी ये जावेद निहारी आ गया था यहाँ पर तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी आऊँ तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का तब तक इंतज़ार कीजिएगा और और मुझे ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर